तो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंटेक इलेक्ट्रॉनिक। जैसे आप लोग देख रहे हो कि आपके सामने एक पूरा सेटअप, कंप्लीट सेट रखा हुआ है जो कि सेलिंग के लिए आया था। तो सोचा चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे आइटम आते रहते हैं सेलिंग के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना पाता। इसलिए मैं अपने वीडियोज़ में हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप है ओनली फॉर म्यूज़िक सिस्टम। खाली म्यूज़िक सिस्टम में जो भी आइटम रिक्वायर्ड है, जैसे AV रिसीवर के अंदर स्पीकर, वूफर, रिसीवर्स, रिमोट्स, ये खाली AV रिसीवर म्यूज़िक सिस्टम से जो रिलेटेड है, वो चीज़ों को मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ सेलिंग के लिए। और मेरा एक FB पे ग्रुप भी है जिसका लिंक मैं ये टाइम आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरा नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप लोग मुझे वहाँ से इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। और ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप पे अपना नाम और एरिया मैसेज कर सकते हो। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल्स दे देता हूँ। ये यामा कंपनी का एक कंप्लीट पैकेज है जिसका मॉडल नंबर है HTR6130, और ये काफ़ी अच्छी कंडीशन में है पैकेज। इसके 5 सैटेलाइट स्पीकर, जैसे आप लोग देख रहे हो, 5 सैटेलाइट स्पीकर है, और एक एक्टिव वूफर है जो कि 6 इंच का है, और ये 45 वॉट्स का है। कंपनी 45 वॉट्स का ही एक्टिव वूफर इसके साथ प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी मेरे भाई को अगर ऐसा लगे कि नहीं, 45 वॉट्स 6 इंच कम है, तो उनको बड़ा वूफर भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, बट प्राइस रेंज में डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा। और किसी को अगर खाली रिसीवर की भी रिक्वायरमेंट है, अगर उनके पास स्पीकर है, किसी का रिसीवर ख़राब हुआ है कि खाली स्पीकर पड़े हैं और रिसीवर चाहिए, तो मेरे पास रिसीवर भी बहुत मॉडल पड़े हुए हैं, आप लोगों को मेरे पास से वो भी मिल जाएंगे। तो चलिए आइए, और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक एज अ सेलिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं ये सब चीज़ें सेल करता हूँ करके। तो ये वीडियो उसके ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊँगा यही मॉडल के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके बेसिक फंक्शन कैसे यूज़ करना है, क्योंकि बहुत से जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनको वो आइडिया नहीं रहता है रिसीवर में क्या सेटअप करना चाहिए, कौन से स्पीकर पे कितना क्या रखना चाहिए और किस तरीके से पूरा सेटअप करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको रीसेट करना भी बता देता हूँ, और आपको बेसिक फंक्शन भी ओवरऑल ऊपर से आपको बता दूंगा कि क्या आप कैसे, और अगर कभी रिसीवर में माल फंक्शन हो जाता है आप लोगों का, समझिए कोई स्पीकर से आवाज़ कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है और आप सेटअप नहीं कर पा रहे, या आपके पास इसके रिमोट्स नहीं है और आप परेशान हो रहे हो कि नहीं, हाँ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है बराबर, तो इसको रीसेट करने का भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए आइए, जैसे हमेशा मैंने आप लोगों के लिए एक सॉन्ग प्ले किया हुआ है साउंड टेस्ट के लिए, और हमेशा जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि फ़ोन से रिकॉर्डिंग है तो आप लोगों को वो साउंड नहीं मिलेगा, वो बेस का पंच नहीं मिलेगा। आप एक बार हेडफोन यूज़ करोगे, ईयरफोन यूज़ करोगे, तो आप लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत साउंड पता चलेगा, बट फ़ोन में आप सुनोगे तो वो आपको एक्चुअल पंच नहीं मिलेगा बेस का, बट ओवरऑल आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि किस तरीके का इसका साउंड टेस्ट है। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, मैंने एक सॉन्ग प्ले करके रखा हुआ है जो कि NCS सॉन्ग है। हम इसका वॉल्यूम थोड़ा पहले नीचे कर लेते हैं, और मैं अभी आप लोगों को ये सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को आइडिया आएगा कि इसका साउंड कैसा है करके। तो चलिए आइए इसको प्ले करते हैं। सुपर साउंड है। अगर आप लोगों का हॉल का एरिया 200 स्क्वायर फीट है या अराउंड 250 तक है तो सफिशेंट है। साउंड पंच भी बहुत ज़बरदस्त है इसका, और सच में एक EV रिसीवर का जो पंच होता है
वो आप लोगों को खाली एवी रिसीवर में ही मिल सकता है, और जिन्होंने इसको सुना है और इसको यूज़ किया है उन्हीं को इसका आइडिया होगा कि एवी रिसीवर के अंदर जो क्वालिटी मिलती है वो शायद ही हमको कहीं और मिलेगी। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।